हमारा प्रणाम। तो आज के ब्लॉग में हम सीखेंगे स्टोरेज यूनिट बनाना। बाजार से जैसे आप कोई सामान लेके आते हो तो वो बॉक्स में आया है सामान, तो उन बॉक्स को फेंकने से अच्छा, वो जो खाली डब्बे होते हैं उन्हें फेंकने से अच्छा आप उनको कैसे रीयूज कर सकते हो और अपनी ज़रूरत का जो सामान है उसमें रख सकते हो। आज के ब्लॉग में हम सीख रहे हैं कि आप रीयूज कैसे कर सकते हो। कोई भी जो प्लास्टिक के बॉक्सेज आपको मिलते हैं बाहर से कोई सामान लेके आते हो या किसी भी तरह का कोई बॉक्स आपको मिलता है तो उसको हम एक स्टोरेज यूनिट की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मेरे पास ये आइसक्रीम का बॉक्स है तो ये काफ़ी सारे बॉक्स पड़े हैं और ये खाली है तो इन्हें जैसे मैं फेंकना नहीं चाहती तो फेंकने से अच्छा मैं इसको रीयूज़ कर दूंगी और इसमें कुछ भी स्टोर करके रख सकती हूँ। तो ये जो बॉक्स है इसकी कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है तो इसमें काफ़ी सामान आ सकता है। तो इसको थोड़ा जैसे ये बाहर जो ये सब लिखा हुआ है ये हटा, मतलब ये नहीं चाहिए अगर हमें, क्योंकि ये इतना अच्छा नहीं लगता देखने में, तो इसको हम कवर कर देंगे और इसको रीयूज़ करेंगे एक अच्छी स्टोरेज यूनिट की तरह। तो आप चाहो तो इन बॉक्सेस को, इस टाइप के जो बॉक्स आते हैं जैसे ये आइसक्रीम का बॉक्स है तो इस टाइप के बॉक्स को आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो फ्रिज में कोई भी अपना आइटम रखने के लिए। तो कुछ टाइम तक तो मैंने इन बॉक्सेस को ऐसे ही यूज़ करा, ये ऐसे ही मतलब इसमें जो फेविक्रिल का जो कलर मैं यूज़ करती हूँ पेंटिंग बनाने के लिए तो उसकी बॉटल आती है कांच की, तो वो मैंने इनमें स्टोर करके रखी थी। तो वो भी एक तरीका है कि आप अपनी जितनी भी आर्ट एंड क्राफ्ट की सप्लाई है वो इस तरह के बॉक्सेस में स्टोर करके रख सकते हो। और अगर आप चाहो तो इन बॉक्सेस का मिनिएचर गार्डन भी बना सकते हो। तो सिंपली इसको पेंट करना है और यहाँ पे एक छोटा सा छेद कर देना है और इसमें आप छोटा सा एक मिनिएचर गार्डन बना सकते हो। तो इस तरह के जैसे बॉक्स आते हैं तो इसमें आप सिर्फ गोल्डन कलर का पेंट कर दो तो भी बहुत अच्छा लगेगा और इसमें कुछ भी आइटम रख दो या फिर एक बहुत सुंदर सा डिज़ाइन बना के भी आप इसको रख सकते हो और फिर इसमें जो प्लांट्स है वो लगा सकते हो तो वो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो ये सकुलेंट प्लांट लगाने के लिए बहुत ही अच्छा है क्योंकि सकुलेंट्स जो है उसको अगर आप इंडोर भी डेकोरेट करते हो तो बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसके लिए भी काफ़ी अच्छा है ये बॉक्स। तो इस तरह के मेरे पास 5 बॉक्स है तो आज हम उन पर ही DIY करेंगे और उन्हें बनाएंगे कुछ मतलब आइटम्स रखने के लिए। तो एक बॉक्स जो है उसमें तो मैं उसको मैं प्लांटर बनाऊंगी ताकि मैं उसमें जो सकुलेंट प्लांट है वो लगा सकूं या मिनिएचर गार्डन बनाना चाहूं तो वो बना सकूं। और बाकी के जो ये 3 जो बॉक्स हैं उनमें मैं अपने बैंगल्स स्टोर करके रखूंगी, तो जैसे कांच की चूड़ियाँ होती है तो वो टूट जाती हैं इधर उधर रखने से। और एक बॉक्स को देखते हैं कुछ अलग तरह का बनाते हैं। तो आज के ब्लॉग में यही करेंगे। सप्लाई बहुत सिंपल है, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको कैसे कैसे सप्लाई है। तो आप अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग कुछ भी यूज़ कर सकते हो। तो ये वाला जो बॉक्स है इस तरह के वाइट बॉक्स है मेरे पास 3, तो इस पे तो मैं सिंपल गिफ्ट रैपिंग पेपर लगाऊंगी और इनको बैंगल स्टोरेज के लिए बनाऊंगी। और बाकी के जो 2 बॉक्सेज हैं उसमें हम कुछ अलग सा डिफरेंट सा करने की कोशिश करेंगे, पेंटिंग वगैरह बनाएंगे उसमें कुछ और उन्हें प्लांटर्स की तरह यूज़ करेंगे। तो देखते हैं अभी धीरे धीरे आइडिया कैसा आता है क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो इन बॉक्सेस को स्टोरेज यूनिट बनाने के लिए हमें जो सप्लाई चाहिए वो तो पहले यही है कि बॉक्स चाहिए। उसके बाद जैसे ये वाले बॉक्सेस हैं इन पे मैं सिंपल ये जो पेपर आता है वो चिपकाऊंगी। ये वाला जो पेपर है ये गिफ्ट रैप करने के लिए आता है तो सिंपली ये वाला पेपर मैं इन 3 में चिपकाऊंगी और इनको चूड़ी स्टोरेज के लिए बना दूंगी। और ये जो 2 हैं ये वाले ब्लैक वाले इनको मैं प्लांटर्स बनाऊंगी। तो इसमें एक वाला जो है इस पर मैं एबन पेंटिंग करना चाहती हूँ, तो आप चाहो तो डायरेक्टली इस पर रेड कलर का पेंट करके भी पेंटिंग कर सकते हो या फिर मैं चाह रही हूँ कि इस तरह की जो शीट होती है मोटी, तो ये है वाटर कलर पेपर है, ये थिक शीट होती है तो इस पर मैं डिज़ाइन बना के उस पर चिपका दूँगी फेविकॉल की हेल्प से। तो ऐसे करेंगे। और जो ये नेक्स्ट है ये जो नीचे वाला बॉक्स है इस पर डायरेक्ट पेंट करके मिरर वर्क करेंगे, तो देखते हैं अभी कैसा बनता है। तो इस तरह से सप्लाई है, फेविक्रिल का कलर चाहिए, ब्रशेस चाहिए, फेविकॉल और सीज़र चाहिए। तो अब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस वाले बॉक्स में हम ये वाला पेपर है चिपकाएंगे। तो ये पेपर जो है आप चाहो तो और अच्छी क्वालिटी का पेपर ले सकते हो, ये 10 रुपी का पेपर आया है एक, तो ये गिफ्ट रैपिंग पेपर है। आप चाहो तो जो प्लास्टिक टाइप का पेपर होता है वो भी ले सकते हो। और इस पेपर को हमें इस बॉक्स पर चिपकाना है, तो यहाँ से ऐसे करके मैं इसका मेजरमेंट ले लूँगी, ऐसे करके यहाँ की लाइन बना ली मैंने और ऐसे ही करके ये जो दूसरी साइड है इसकी भी लाइन बना दी है। और अब हम इसकी जो है इस तरह सिंपल ऐसा फोल्ड करके स्ट्रिप काट लेंगे। तो इस तरह से हमने इसकी एक स्ट्रिप काट ली है, तो ऐसी स्ट्रिप काट ली है बाकी के बॉक्सेस पे भी चिपकाने के लिए। और जितनी हमें ज़रूरत होगी उतना हम यूज़ करते जाएंगे, तो काफ़ी सिंपल है। और अब मैं फेविकॉल की हेल्प से इसे इस तरह से चिपका दूंगी बॉक्स पे। ब्रश की हेल्प से इसे फैला सकते हो अच्छे से फेविकॉल को, ताकि मोटा ना रहे कहीं पे भी।
तो ये स्ट्रिप जो है इस तरह से चिपकने लगेगी और अब हम यहाँ पे भी फेविकॉल लगा के इसे चिपकाते रहेंगे। जैसे यहाँ पे मुझे लग रहा था पेपर सही से जा नहीं रहा, मैंने एक कट दिया उसको सीधा कर दिया, यहाँ पे भी सही से नहीं जा रहा था तो एक कट देके उसे सीधा कर देना है। इस तरह से हमारा बॉक्स जो है वो बनके रेडी हो चुका है। तो ये ऐसा दिखता है, बैक पे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये इस तरह का दिखाई देता है। तो ऐसे ही जो बाकी के कुछ बॉक्स है उनको भी हम ऐसे ही कर लेंगे। तो जहाँ पे आपको लगता है कि पेपर जो है मुड़ने लग रहा है वहाँ पे आपको कट मारना है और उसको फिर से सीधा कर लेना है। कई बार कटिंग गलत आ जाती है, इतना कट नहीं हो पाता, तो उसके लिए तो इस तरह का बॉक्स दिखने लगेगा। अब जो इस बॉक्स का ढक्कन है ये वाला, इस पे भी हम सेम वही पेपर लगाएंगे। तो अब वो लगाते हैं। तो जैसे मुझे इसके सेंटर में ये फ्लावर चाहिए तो इसलिए मैं इसको ऐसे रख के थोड़ा सा मेजर कर लेती हूँ रफ कितना चाहिए हमें। तो आप चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, अगर फ्लावर नहीं चाहिए थोड़ा बहुत चाहिए तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। तो अब ये दो डब्बे बन चुके हैं, इनको हम कट कर लेंगे सीजर की हेल्प से। एक ये पीस कट हो चुका है, ऐसे ही हमने जो दूसरा पीस है इसे भी कट कर लेंगे। तो ये वाला पीस भी कट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास दो पीस हो गए हैं ढक्कन पे लगाने के लिए। तो पहले हम इसको लगाएंगे, जैसे ये वाला ढक्कन है तो हमें इस पे लगाना है। अब इसके अकॉर्डिंग जो थोड़ा सा हम रफली इसे एडजस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से अब इसको ये चिपक गया है पेपर और ये हमारा बॉक्स भी रेडी है। तो अब मेरे ये दो चूड़ी बॉक्स तो बनके रेडी हो चुके हैं। तो इन बॉक्सेस में मैंने कांच की चूड़ियों को सेट करके रख दिया है। तो ये इस तरह से इसमें चूड़ी आ जाती है। इस तरह से आप बॉक्सेस बना सकते हो, मतलब ये दिखने में भी सही लग रहा है और इसमें इस तरह से चूड़ियाँ भी सही से घुस जा रही है। जो नेक्स्ट है हमारा बॉक्स उसको हम डायरेक्ट पेंट करेंगे। तो ये जो बॉक्स है इस पर हम डायरेक्ट फेविक्रिल का जो पेंट है वो करेंगे। तो इसके लिए मैं स्काई ब्लू जो कलर आता है इसका वो यूज़ कर रही हूँ। तो सिंपल मैं उसको पेंट मार दूँगी इस पर। तो मैं यहाँ फेविक्रिल का पेंट कर रही हूँ, आप चाहो तो ऑयल पेंट भी कर सकते हो। इस तरह से हमने सिंगल कोट इसमें कर दी है। फिर ये धीरे धीरे सूखता रहेगा तो हम इसमें सेकंड कोट कर देंगे। अब हम इस पर सेकंड कोट करेंगे। तो अब हम ये वाला जो बॉक्स है इसको डेकोरेट करेंगे और इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये फेविक्रिल की जो क्ले है। और ये दो अलग अलग आती हैं क्ले, इन दोनों को मिक्स करना है और फिर एक डो बना लेना है और उससे शेप देने हैं और इस पर चिपकाएंगे फेविकॉल की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं बनाना। अब हमने ये दोनों क्ले जो है अलग अलग इक्वल क्वांटिटी में ले लिए है। अब इसको इस तरह से एक साथ मिक्स करना है और इसका एक छोटा सा डो बना लेना है और फिर शेप देने हैं।
तरह से क्ले से हम डिज़ाइन बना सकते हैं, आप कोई सा भी डिज़ाइन बना सकते हो। और यही डिज़ाइन अब हम चारों तरफ बना देंगे। और इस बॉक्स को आप प्लांट लगाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो इस तरीके से, और स्टोरेज के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो अब ये वाला जो बॉक्स है स्काई ब्लू कलर का, इस पर भी मैंने क्ले से डिज़ाइन बना लिया है, और ये वाला डिज़ाइन सूख गया है। बाकी जो इधर है मैंने यहाँ भी डिज़ाइन बना दिया है। तो इस तरह से आप क्ले यूज़ करके भी डिज़ाइन बना सकते हो, या फिर इस तरह के डिज़ाइन की पेंटिंग कर सकते हो, या मिरर लगा सकते हो। तो अब जैसे ये बनाया था तो इसी का थोड़ा सिमिलर जो है यहाँ इसके ढक्कन पे बना दिया। तो इसे इस तरह से बंद कर लेंगे तो ये ऐसे हो गया। तो इसमें आप ज्वेलरी वगैरह या अपने कलर्स कुछ भी स्टोर करके रख सकते हो। ये जो कलर की बॉटल्स हैं ये भी इसमें बहुत आराम से चले जाती है, ऐसे ऐसे मतलब आराम से आ जाती हैं। तो ऐसे दिखने में भी ये थोड़े अलग से ही लग रहे हैं, सही लग रहे हैं। इसमें सिर्फ आप गोल्डन कलर भी कर सकते हो, पर मैं थोड़ा सा इसे कलरफुल बना रही हूँ। तो इसके लिए मैं फेविक्रिल के कलर यूज़ कर रही हूँ। तो ये सारे यही वाले हैं, ऑरेंज है, येलो है, गोल्डन है, और ग्रीन के शेड हैं। तो ये मेहंदी ग्रीन इस तरह के हैं, और ये पीछे से दिख जाएंगे कलर कौन कौन से हैं। तो ये वाले कलर हैं। और अब मैंने यहाँ पे ग्रीन कलर भी कर दिया, अब इसे थोड़ा सूखने देंगे। अब ये जो फूल का सेंटर है इनमें हम करेंगे गोल्डन। इस तरह से अब हमने इसमें गोल्डन कलर कर दिया है दिख, और इन पे भी अब इन तीनों पे भी हम कलर कर देंगे। तो इसमें काफ़ी सिंपल है, आप इस तरह से कलर कर सकते हो। और चाहो तो इसमें गोल्डन डॉट्स भी बना सकते हैं हम गोल्डन कलर के, तो वो भी अच्छे लगते हैं। मतलब प्लेन बॉक्स हो और उस पर आप गोल्डन कलर के डॉट बना दो तो वो भी अच्छे दिखेंगे। और ये वाला जो है इसको भी सिंपल ऐसे ही पेंट करना है, सेम जैसे नीचे वाला फ्लावर पेंट हो रखा है वैसे ही मैं इस वाले को भी पेंट कर दूँगी। और ये जो गोले हैं इन्हें मैं गोल्डन रखूँगी। तो अब ये वाला जो बॉक्स है वो बनके रेडी हो चुका है। तो इसमें मैंने इस तरह से क्ले से डिज़ाइन बना दिए थे, और ये यहाँ पे जो ये फ्लावर्स थे उन पे कलर कर दिया, तो ये इस तरह का दिखता है। तो ये वाला स्टोन है मैं ऐसे लगा दूँगी, एक यहाँ और एक यहाँ पे। तो इस तरह से इसमें थोड़ा सा डिफरेंट सी लुक आ जाएगी। और इसका जो ढक्कन है ऊपर का बॉक्स का ये वाला, तो इस पर भी मैं इस तरह से दिखाई देगा। तो अभी तो ये थोड़ा टेढ़ा हो रखा है। तो अब ये जो बॉक्स है इस पर मैंने मिरर्स लगा दिए हैं, और ये ऐसा दिखता है। तो ये रेडी हो चुका है बॉक्स बनके। और ये वाला जो है इसका भी यहाँ पे मैंने थोड़े से मिरर लगा दिए हैं, थोड़ा ताकि ये ऐसा दिखे। तो इसमें भी मैंने थोड़े से मिरर लगाए हैं। तो ये वाला जो बॉक्स है वो भी बनके रेडी हो चुका है। तो ये बनने के बाद ऐसा दिखता है। इसका जो वाइट वाला एरिया है इस पर आप चाहो तो गोल्डन कर सकते हो पूरे पे। तो नेक्स्ट डिब्बे को तैयार करने के लिए मैं ये वाली शीट यूज़ कर रही हूँ। तो ये थिक शीट है, इस तरह की शीट आती है ये, तो मैं ये वाली यूज़ कर रही हूँ। तो मैंने ये थोड़ी सी काट ली है, और इसको मैं यहाँ पे लगाऊंगी, और फिर मैं इस पर एपन पेंटिंग का डिज़ाइन बनाऊंगी। तो पहले हमें इसको इधर चिपकाना है, तो जैसे पहले पेपर को चिपकाया था वैसे ही इसको भी चिपका लेना है। थोड़ी सी मोटी है तो चिपकने में दिक्कत करेगी, पर आप ऐसे दबा के रखना है इसे, इस तरीके से अच्छे से प्रेस करना है। तो अभी इतना इसको हमने कवर कर दिया है, इस तरीके से कवर हो चुका है। तो ये वाला जो डब्बा है इस तरह से हमने इसको पेपर से कवर कर दिया है, और इस पर हम एपन पेंटिंग बनाएंगे। तो ये वाले जो मार्जिन है ये बाद में दिखेंगे नहीं। तो अब हम अपना नेक्स्ट बॉक्स बनाएंगे, और इस बॉक्स पे मैं एपन पेंटिंग कर रही हूँ। तो मैंने ये रफ थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया जो मुझे चाहिए, तो इस पर फिनिशिंग हम जब फाइनल लुक देंगे तब आ जाएगी। तो इसका थोड़ा बेस पेंट करना है, तो उसके लिए मुझे इस पर रेड कलर करना है। तो मैं ये क्रिम्सन रेड कलर है वो यूज़ कर रही हूँ, और यहाँ पर बेस पे कर देंगे इसे। इस पे मैंने पेंसिल से डिज़ाइन इसलिए बनाया है, लाइंस इसलिए खींची है क्योंकि ये कलर के थ्रू दिख जाता है, और फिर हम वाइट लाइन ड्रॉ करने में इजी हो जाएगा। और जब हमने इसमें पेपर लगाया तो हमें डबल कोट करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऐसे ही इसमें अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। इससे
तरह से इस पर पूरा रेड हो गया है, तो ये ब्लैक और रेड के कॉम्बिनेशन में आ रहा है बॉक्स। तो ये वाली जो लाइन है ये थोड़ी सी उभरी हुई है, इस पर मैं थोड़ा गोल्डन कलर करूँगी। तो इसमें तीन कलर दिखाई देंगे, ऊपर ब्लैक, यहाँ पे गोल्डन और नीचे रेड। तो ये वाला कलर है पर्ल मेटालिक गोल्ड और ये वाला मैं करूँगी अभी। ये 10 ml है और ये भी 25 rupees में आपको मिल जाएगा। इसकी बॉटल थोड़ी सी छोटी आती है बाकी कलर से। तो अब हमारा ये वाला जो बॉक्स है इस पे यहाँ पे हम पेंटिंग करेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा रफ़ डिज़ाइन बना रखा है एपन पेंटिंग का, तो यही इस पे करनी है। तो इसके लिए मैं एक कलर यूज़ कर रही हूँ, फेविक्रिल का कलर यूज़ कर रही हूँ वाइट। और ये नेल आर्ट बनाने की जो बॉटल आती है उसमें मैंने ये वाला कलर फिल कर दिया है, तो इससे बारीक डिज़ाइन बन जाता है। तो अभी जैसे इसमें हम डिज़ाइन ड्रॉ कर रहे हैं तो इतनी फिनिशिंग नहीं आ पा रही, यहाँ पे ऐसे हो रहा है। तो अभी थोड़ा सा कर देंगे, एंड में फिनिशिंग करेंगे, अभी बस डिज़ाइन बना लेते हैं। तो अब इसी तरह से हमें इस पूरे बॉक्स पे डिज़ाइन बना देना है एपन पेंटिंग का इधर भी, और ये फिर रेडी हो जाएगा। ये जो एपन पेंटिंग वाला हम बॉक्स बना रहे थे इसकी भी मैंने यहाँ फिनिशिंग कर दी है। तो जैसे कलर जो एकदम चिपक गया था तो उसको अलग कर दिया, तो ऐसे रफ बना देना है। अब हम अपने लास्ट बॉक्स पे पेंट करेंगे और इस पे मैं पिंक कलर का फेविक्रिल का कलर कर रही हूँ। ये तो ये वाला जो बॉक्स है ये मैंने पिंक कलर में करा है, और इस पे का जो ढक्कन है इसके सेंटर में ही करा है, और ये ब्लैक लाइन छोड़ दी है। आप चाहो तो इस पे सिल्वर या फिर गोल्डन कलर कर सकते हो। तो ये बॉक्स इस तरीके से दिखता है। तो अब हम इसमें, और ये ढक्कन है इसका, अब इस बॉक्स में हम मिरर का यूज़ करेंगे। तो हम इसको मिरर से डेकोरेट करेंगे। तो उसके लिए मुझे फेविकॉल चाहिए मिरर चिपकाने के लिए, और कुछ इस तरह की शेप वाले जो मिरर्स हैं वो चाहिए। आपको ये मिरर लोकल शॉप से भी मिल सकते हैं या फिर ऑनलाइन ख़रीदो तो वहाँ से भी मिल जाएंगे। तो ये कुछ डिफरेंट शेप्स के मिरर हैं वो मैं यूज़ करूँगी। तो ये वाले जो मिरर्स हैं मैंने ऑनलाइन मंगाए थे अमेज़ॉन से, तो इसमें काफ़ी सारे पीस आ जाते हैं और ये लीपन आर्ट बनाने के भी काम आता है, और भी तरह की आर्ट वर्क में ये काम आता है, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो अब इस बॉक्स को हम डेकोरेट करते हैं मिरर्स की हेल्प से। अब इसी तरह से जैसे हमने यहाँ पे मिरर्स लगाए हैं इधर भी पूरे लगा लेंगे यही वाला पैटर्न जो है। तो अब हमने इस बॉक्स में इस तरह से मिरर लगा दिया है और पूरा इसको कवर कर दिया है इस तरह से। अब यहाँ वाली जो ये लाइन है, ये जो गैप बच रहा है, इस पे भी हम मिरर लगा देंगे। और इस पे जो मैं ये लंबे पीस वाले मिरर यूज़ कर रही हूँ ये थोड़ा इस तरह से दिखते हैं, तो यहाँ पर लगाएँगे हम। इसी
इसी तरह से हमें यहाँ पे भी ये जो गैप्स हैं इन पे मिरर लगा देने हैं, और ये लंबे वाले मिरर जो है वो एकदम सेट हो रहे हैं यहाँ पे सही से, तो वही हम लगाएंगे। तो इस तरह से आप भी जो है इस पे मिरर लगा सकते हैं और वो सही लग रहे हैं। तो अब हम इस बॉक्स पे यहाँ पे इस तरह का फ्लावर शेप बनाएंगे, और इसके लिए मैं ये वाले जो शेप के मिरर्स है वो यूज़ कर रही हूँ। तो ये सिंपली हमें चिपकाने ही है, तो बहुत आसान है। तो अभी मैंने ये चिपकाए लिए, दिखाने के लिए रखा है। तो आप सिंपली पहले मिरर्स को इस तरह से लगा दीजिए, उसको ज़्यादा प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। फिर जब डिज़ाइन बन जाता है तो आप थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो उसे, वो फेविकॉल से एकदम से चिपकता नहीं है, तो थोड़ा सा आप फिर अपने हिसाब से हिला सकते हो। तो अभी जैसे मिरर्स गीले हैं तो हम इन्हें एडजस्ट कर लेंगे, फूल को थोड़ा सीधा कर लेंगे, जैसे ये थोड़ा टेढ़े टेढ़े हो रहे हैं तो सीधा कर लेंगे। तो इस तरह से ही हमने जो ये वाला डिज़ाइन बनाया है यहाँ पे, ये वाला डिज़ाइन को हम यहाँ भी बना देंगे बाकी की तीन साइड्स पे भी। तो अब ये जो बॉक्स है इसमें चारों तरफ डिज़ाइन बन चुका है और ये इस तरह से दिख रहा है। तो इसमें मैंने पूरे मिरर्स लगा दिए हैं। तो अब हमें इसका जो ऊपर का ढक्कन है वो बनाना है। तो ये जो फ्लावर है इसमें छोटे छोटे मिरर्स लगे हैं, तो ऐसे ही मेरे पास बड़े मिरर्स भी है, और उसको हम ये जो इसका ढक्कन है वो बनाने में यूज़ करेंगे। तो अभी तो मैंने बस ऐसे ही एडजस्ट करके देखा है कि कैसे चाहिए मुझे ये डिज़ाइन। अब इसको मैं पेस्ट करूँगी, तो ये अभी ऐसे दिख रहा है। तो इस तरह से फिर हमारा पूरा बॉक्स बन जाएगा। तो अब इसका डिज़ाइन बनाते हैं। अब हमारा ये डिज़ाइन बन के रेडी हो चुका है। अब इसमें हम वाइट डॉट्स लगाएंगे यहाँ जो स्पेस बची है। तो ये वाला जो फेविक्रिल कलर है वो इस बॉटल पे मैंने भर दिया है। अब इससे डिज़ाइन बनाएंगे। अब हमारा ये बॉक्स बन के रेडी हो चुका है, और थोड़ा सा पेंट करने के बाद ये ऐसे दिखाई देता है, और इसके ग्लास जो है हम ये सूखने के बाद कलर पोंछ लेंगे अच्छे से। तो अब मेरे ये पांचों बॉक्स बन के रेडी हो चुके हैं। ये वाला जो बॉक्स है ये तो सिंपल ऐसे ही बनाया था पेपर लगा के। ये वाला जो बॉक्स है इस पर हमने ट्रेडिशनल जो उत्तराखंड की एबन पेंटिंग है वो कर रखी है, और इसको मैं एक प्लांटर बनाऊँगी। और ये वाला जो बॉक्स है इस पर मिरर वर्क कर रखा है, तो ये इस तरह से दिखता है, मतलब इस तरह से इस पर मिरर वर्क कर रखा है तो ये ऐसा दिखाई देता है ये वाला बॉक्स, और इसमें ऐसा है, और अंदर स्टोर कर ले सकते हैं हम कुछ भी। और ये वाला जो बॉक्स है ये स्काई ब्लू कलर का है, और ये ऐसा दिखता है। आप अगर चाहो तो इस तरह के जो हम बॉक्सेस बना रहे हैं ऐसे, इनमें आप पार्टीशन भी कर सकते हो अपने हिसाब से। लंबे लंबे पार्टीशन चाहिए तो लंबे कर लिए, और अगर इस तरह से चार खाने वाले पार्टीशन चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हो। तो इसमें मैं ये पेपर तो एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ, आप इसमें जो कार्डबोर्ड आता है या गत्ता आता है मोटा वो यहाँ पे लगा सकते हो, और ऐसे चार पार्टीशन करके अपनी ज्वेलरी भी स्टोर करके रख सकते हो, या फिर कुछ और रखना चाहो तो वो भी। तो ये जो बॉक्स हैं पाँचों, इसमें मैं इस तरह से अपने बैंगल्स को स्टोर करके रख रही हूँ। इसमें जो कांच के बैंगल है वो भी सही से रहते हैं, उनका टूटने का डर नहीं रहता, तो वो भी ठीक रहते हैं। तो इस तरह से मैंने इसमें बैंगल्स रखे हैं, और ये तो चूड़ा है उसके कड़े अलग रख रखे हैं अभी, और ये। तो आप भी ऐसे स्टोरेज के लिए बॉक्सेस बना सकते हो।